बीजेपी की लेबोरेटरी में मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। MBBS की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहाँ नहीं रुकते। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी के लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। ये मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में RSS और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी।